चैनल। माय नेम इज सुपर्णा और आप देख रहे हैं इंटीरियर बारी शोभा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूं और मेरे इस चैनल पर मैं इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कैसे इंडोर प्लांट के साथ आप अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि समर आ गया है और हर कोई चाहता है जो घर में एक काम स्मूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो, तो इसीलिए घर में चाहिए बहुत सारा इंडोर प्लांट। तो चलिए, बहुत सारा तो नहीं मगर कुछ इंडोर प्लांट के साथ अपने घर को तो डिज़ाइन कर ही सकते हैं, और जो बहुत लो मेंटेनेंस होगा, बहुत कम लाइट और कम पानी देने से भी चलेगा। तो चलिए उस टाइप के प्लांट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले डेकोरेशन के लिए मैं अपने घर का इस कॉर्नर को यूज़ करूँगी, जहाँ पे मैंने एक ट्रंक लिया है जो मैं कुछ दिन पहले DIY किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लैंप रखूँगी। मैं यहाँ पे एक ZZ प्लांट यूज़ करूँगी। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे 15 दिन में एक बार पानी देने से चलेगा और इसे इनडायरेक्ट धूप चाहिए होता है। यहाँ पे एक वुडन ट्रे लूंगी, इसके ऊपर बुद्ध स्टैचू के साथ इस जगह को डेकोरेट करूंगी। अगर आपके घर में प्लांट रखने का जगह नहीं है तो आप इस तरीके का जो मैक्रोमे हैंगर होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं प्लांट को हैंग करने के लिए। अब मैं इस मनी प्लांट को इस हैंगर में हैंग करूंगी। मैंने इसको पानी में रखा है, आप चाहे मिट्टी और पानी दोनों में ही रख सकते हैं। बताऊं तो हैंगिंग प्लांट घर में बहुत ही खूबसूरत लगता है। विंडो के सामने रहेगा तो इसे इनडायरेक्ट लाइट भी मिलता रहेगा। प्लांट हैंगर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे DIY भी कर सकते हैं। पुराने टी शर्ट से भी आप ये हैंगर बना सकते हैं। इस कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल यूज करूंगी। इसके ऊपर मैं सिंगोनियम प्लांट रखूंगी। और कुछ आर्टिफैक्ट्स के साथ इस जगह को डेकोरेट करूंगी। आप चाहे तो स्टाइलिश प्लांटर भी यूज कर सकते हैं, देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। मेरे पास और एक ऑप्शन है इस कॉर्नर को डेकोरेट करने का। अरेका पाम को कैन का या प्लांटर के साथ इस जगह को मैं डेकोरेट करूंगी। ये प्लांटर मैं लोकल शॉप से खरीदी हूँ। अरेका पाम भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। अरेका पाम के ऊपर मैं कुछ स्ट्रिंग लाइट यूज करूंगी। सोफे में एक येलो कलर का कुशन यूज कर रही हूँ जो एक वाइब्रेंट लुक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे रखूंगी जो मैं दार्जिलिंग से खरीदी थी। कोजी कॉर्नर रेडी है इस ब्यूटीफुल अरेका पाम के साथ।
मनी प्लांट के साथ इस बुक शेल्फ को डेकोरेट करूंगी। इसके सामने दो बर्ड रखूंगी और एकदम ऊपर वाला शेल्फ में ये एक बड़ा सा मनी प्लांट रखूंगी। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे हफ्ते में एक बार ही पानी देना पड़ता है और इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है। घर का वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सस्ता भी होता है। आप एक प्लांट घर पे लाने से इससे ही बाद में बहुत सारा प्लांट आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा है, मगर सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिखाऊंगी कैसे सेंटर टेबल को आप प्लांट के साथ डेकोरेट कर सकती है। सबसे पहले मैं एक ट्रे लूंगी, उसके ऊपर कुछ बुक्स रख, थोड़ा सा हाइट देने के लिए, के ऊपर दो छोटे छोटे बर्ड्स रखूंगी और कुछ कोस्टर। इस डेकोरेशन को एंड करूंगी इस ब्लू बॉटल के साथ जिसमें मैं मनी प्लांट को रखी हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। प्लांट घर को ब्यूटीफुल बनाने के साथ साथ एक फ्रेशनेस भी देता है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आप पहली बार इंडोर प्लांट रखने के सोच रहे हैं तो एक साथ बहुत सारा प्लांट मत खरीदिएगा। पहले दो प्लांट से शुरू कीजिए। शुरुआत के लिए मनी प्लांट और सिंगोनियम सबसे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। प्लांट को रखने के लिए घर पे पड़े हुए बॉटल, ग्लास, प्लास्टिक कंटेनर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। से अपना घर को प्लांट के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।